प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी। अंतरजालक पढ़ुआ काक आभासी चौकी पर साई, तीसम चौकी बाजी। तीसम भ गेल ने, देखियो समय जाइत जे कहै छै ने, देर नहि लागै छै। अहिना लॉकडाउन में मन नहि लागत रहे पढ़ा लिखा में, तो सोचलिए जे चौकीबाजी शुरू करी। गपशप शुरू भेल। आई दोसर निषेधाज्ञा लॉकडाउन के समय में आबि गेलहुँ। समय जाए देर नहीं लागे छे। आई मई के 20 तारीख अ सन 2021, जेठ के 6 गत्ते, विक्रम संवत 2078, बृहस्पति दिन, गुरुवार, गुरु के दिन छन। हम रिकॉर्डिंग कर रहल छी साँझ में, अहाँ सब धर पहुँचत शुक्र के भोर से। कठिन समय अइ, विज्ञजन कहै छथिन जे किछु दिन रहत अहिना, सीख पड़त। सब गोटे बचि कऽ रहू, विवाह दान भोज भात बाँचब तऽ होइत रहतै। अखन बुझू जे प्रार्थना काल छै, तैं कायिक दूरी 2 मीटर के, ओना आइ भारत के भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार कहलखिन हँ जे तो 10 मीटर तक जा सकै छै एकर कोविड के जे विषाणु छै से। तो आब 10 मीटर के कायिक दूरी दक्षिण एशिया के जनसंख्या के अनुपात में संभव नहीं छै, लेकिन जते भऽ सके से हाथ के सफाई करैत रहू। हाथ के सफाई मतलब हाथ वाला सफाई, दोसर हाथ के सफाई नहीं, से करैत रहू। साबुन पानी से हाथ धो के जे सुविधा रहे, सैनिटाइजर होए, सकबेर नाक मुँह के नहीं छूबू। मास्क पहिने एकटा से भऽ जेतै कहै छलै, आब तऽ कहै छै जे दूटा लगाओ। आ घर के भीतरो रहब यदि कार्यालय में छी या दुकान में छी तो दूटा का मास्क लगाओ, आ बहुत जरूरी छै। आ घर के भीतरो गपशप कर रहल छै केओ तो मास्क पहिरबे टा करू, नाक मुँह झाँप नहि रहू, सकबेर घर में रहू। भगवान पर आस्था अइ तऽ भगवान के नाम लिय, अल्लाह के नाम लिय, ईश्वर के नाम लिय। बचि कऽ रह के विकल्प नहि। देखियौ एक बेर जे रोग भऽ जाइ छै ने, तऽ बड़ा कठिन भऽ जाइ छै। सांस लेबऽ में दिक्कत, एखनो धरि दवाइ नहि छै, वैक्सीन न एहि पार भेलैए ने ओहि पार भेलैए। सेरम इंस्टीट्यूट के पाई देल, दोसर डोज के टाइम बीतल जाइ छै, आ अखन धरि ओहि पार से एहि पार नहीं आबि सकलैए। ओहि पारो तहिना छै समस्या, तऽ बचिए कऽ रह के छै। प्रिंट कहि कऽ एकटा वेबसाइट छै इंडिया, ओहिमे हम पढ़ै छलियै दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के बारे में। ओकर शीर्षक छै दरभंगा अस्पताल के हालत, जे यदि कतौ नर्क छै तऽ इएह छै। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दऽ रहल छी। जनकपुर के अस्पताल में एहिसँ पहिलको बेर हम कहने रहूँ, एगोटे के देहांत भऽ गेलै तऽ तोड़फोड़ भेलै, वेंटिलेटर तक तोड़ि देलकै। तऽ मुश्किल समय में एकटा ई कागज कहि कऽ एहिठाम के वेबसाइट छै ओहिठाम देने छलै, जे केना 2 नंबर प्रदेश में की हालत छै स्वास्थ्य सेवा के, से कोनो लगानी नहि भेल छै। तऽ बचि कऽ रह के से दोसर कोनो उपाय नहि छै। ओना कहै छै जे चारू कात संकट होए तऽ समाचार के कमी नहि होइ छै। भारत में गुजरात के समुद्री तूफान के खबर सुननहि हेबै, ओहि के चलते काठमांडू तक में काल्हि से पानि पड़ि रहल छै, तापक्रम घटि कऽ ठंडा ठंडा जगह भऽ गेल छै। दिल्ली में कहै छै जे मई महीना में एते कम तापक्रम बहुत वर्षों के बाद, लगभग आधा शताब्दी के बाद से एना भेलैए। तऽ जलवायु परिवर्तन के बात अइ। नेपाल में सर्वोच्च अदालत निर्णय केलकै जे माओवादी छोड़ि कऽ जे एमएलए में ओली के संगे लागल छलाह, तिनका 6 महीना में फिर सांसद बनय के संभावना नहीं छै, तऽ मंत्री पद पर नहीं रह सकै छथि। तऽ बड़का घटना भऽ गेलै, एहिसँ भऽ सके ओली जी के और किछु लोक के मंत्री परिषद में लाबक के, मंत्रिमंडल में लाबक के सुविधा होइ। आ दोसर फिर निर्णय छल जे
ओना दुनू उम्मीदवार एमालेसँ छलै एकटा वर्तमान गृहमंत्री छलथि वर्तमान तऽ के अब निवर्तमान कहऽ पड़तै रामबहादुर थापाके आ दोसर डॉक्टर खीमलाल देवकोटा ओहो एमालेके तऽ दुनूमे खीमलाल देवकोटा विद्रोही उम्मीदवार आ संस्थापनके उम्मीदवार रामबहादुर थापा तऽ विद्रोही उम्मीदवारके विजय भऽ गेलै तऽ राजनीति सेहो एहि पारके गोलमाल छै आ ओहि पारके राजनीति तऽ जानबे करै छी एकटा नीक बात छै जे दोसर राज्यके रहितै तऽ बहुत कठिन होइतै गुजरातमे समुद्री तूफान एलै आ भारतके निर्वाचित तानाशाहके अपन राज्य छनि तऽ तत्काले तुरते दू दिनके भीतरमे से 1,000 करोड़के राहत केन्द्रसँ ओतऽ जायवला भेलै अहिना तूफान पश्चिम बंगालमे पुरकासाल आयल रहै अम्बान शायद नाम रहै तऽ बंगाल कनैत रहि गेल लेकिन केन्द्रसँ सहायता आबऽमे से बहुत देर लगलै आ तैयो देखियौ बंगालके लोक ओहि हुनके पार्टीके निर्वाचित तानाशाहके पार्टीके 70 सीट तऽ देलकै ने ओहिठामके असेम्बलीमे तऽ से छै आब फेर दोसर एकटा विज्ञ सब कहि रहल छथि जे जहिना अरब सागरके लो प्रेशर एरिया कहै छै कम चापवला क्षेत्रके चलते गुजरातमे महाराष्ट्रमे तूफान आयल छलै तेहने तूफान यदि बंगालके खाड़ीमे एतै तऽ ओकर असर उड़ीसा पश्चिम बंगाल भऽ सकैए बांग्लादेश बर्मा तक पड़ै तऽ कठिन समय चारू कात नेपालके एहि पारके बात करब तऽ लमजुङमे 5.8 भूकम्प गेल छलै आ 24 घंटामे लगभग 86 परकम्प गेलै तऽ तेहन परिस्थिति छै चारू कात कतौसँ नीक खबर नहि अइ तऽ एहनमे तऽ भगवानेके नाम लेब आइ जानकी नवमी छै तऽ किशोरीजीके आराधना करके वैशाख महिनाके शुक्ल पक्षके नवमी तिथिके जानकीजीके प्रकटोत्सव मनायल जाइ छै जन्मोत्सव नहि आजन्मा हमर अजर तऽ प्रकटोत्सव कहै छै जे प्रकट भेल रहथिन ओहि दिन लेकिन ओना संक्रान्तिसँ जेठ महिना अइ लेकिन वैशाखेके छै एखन शुक्ल पक्षके नवमी तिथि आकाशमे देखबै तऽ यदि सफा होयत तऽ चन्द्रमा देखायत काल्हिओ रहबे करत जन्मोत्सव जे छै जानकीजीके से दोसर एकटा मिथकसँ जोड़ल छै ओ दोसर दिन होइ छै एहिबेरके जेनाकि सीता जयन्ती जकरा कहै छै जन्मोत्सव से 6 मार्चके छलै ओ फागुन मासके कृष्ण पक्षके अष्टमी तिथिके होइ छै नवमीके नहि होइ छै हमरा एहिबेर कनि नीकसँ एहि दुआरे याद अइ ओ बात जे जनकपुरमे साहित्य महोत्सव छलै प्रदीप गिरिजी बाजै छलाह किशोरीजीके बारेमे हुनकर एकटा सेशन रहनि तऽ हुनकर हमरा प्रति स्नेह छनि जनकपुरे क्षेत्रके छथि सिरहासँ बस्तीपुर गामके साथ हँ तऽ हमरासँ नीकसँ गपसप होइत रहैए तऽ हम कहलियनि जे नहि हमसब तऽ मिथिला क्षेत्रमे से जानकी नवमी मनबै छियै वैशाख महिनाके शुक्ल पक्षके जनकपुरमे पूजा पाठ होइ छै कहलखिन नहि आइयो सीता जयन्ती छै 6 मार्चके छै हमरा देखौलथि तऽ जन्मोत्सव सीताके जन्मोत्सववला सेहो एकटा मिथक छै मिथक की छै जे पौराणिक एकटा कथाके अनुसार जे सीताजी जे रहथिन से रावण आ मन्दोदरीके पुत्री रहथिन आ ओहिके पाछाके मिथक छै जे वेदवती नामके से लक्ष्मीजीके स्वरूपा विष्णु भगवानके आराधनामे लीन रहथि पति जे होय हमर से विष्णुके अवतार होय कहिकऽ ओ सुन्दरीके देखकऽ रावण आ राक्षस ललायित भऽ गेल सम्राट तऽ ओ किछु की कहबै सुन्दरतासँ मोहित भऽ कऽ कहलखिन नहि अहाँके तऽ हमरा सङ्गे चलऽ पड़त वेदवती कहलखिन नहि तऽ सम्भव नहि अइ हम तऽ विष्णुके आराधनामे लीन छी तऽ
रावण क्रोधित भक दुर्व्यवहार जन कर लगलखिन वेदवती संगे, तो वेदवती के रावण के स्पर्श पवित्ते वो अपना के वेदवती भस्म कर ललखिन आ श्राप दलखिन रावण के जे दोसर जन्म में हम तोहर बेटी भक जन्मबौ आ तोहर मृत्यु के कारण बनबो। तो तैसा जे जन्म भेलै त रावण की कलकै जे हमरा प्रति संकट आनत, तो पुत्री के जन्म ते बहा दलकै एकटा कोनो बर्तन में राख कर, तो बही जे गेलै तो पहुँच गेलै केना क ककरा हाथे मिथिला में जे कि जनक के भेटलन से कह नाम छै। तो यदि जन्म के मानबै जानकी जी के तो सीता के जयंती मान परत फागुन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के, आ नहि यदि जानकी जी के प्राकट्योत्सव कहबै जो प्रकट भेलखिन आजन्मा छथिन अजर छथिन अमर छथिन अपना के विभिन्न रूप में प्रकट करे छथिन प्रकृति छथिन शक्ति रूपा छथिन, तो से जे भेल छै से जानकी नवमी के दिन में भेल छै। एहि कारण जे वही दिन राजा जनक एकटा अकाल पड़ल रहे मिथिला में विदेह में, तो कहल गेले हुनका जे यज्ञ करब आ यज्ञ के बाद यदि हर जोतबै तहां के पुत्री प्राप्त होयत कहिकऽ, तो सबेर में यज्ञ कक आ तकर बाद अपराह्न में हर जोतैत रहथिन, तो जानकी जी सीता जी सीताए नामकरण भेल रहे कला, तो हर के आगा के जे जगह होइ छै ओकरा सीत सीता कहल जाइ छै, तै से सीता नाम पड़ल छै। अपना सब देश मैथिलानी सब सीत फारै छथिन जे कहै छै फार के आ सीत उ एकटा प्रतीक के रूप में सेहो मानल जाय छै ओकरा, त ओही नवमी तिथि के से प्रकटोत्सव छै। आब एहि बेर देखियौ ना प्रकटोत्सव सेहो दू दिन में पड़ि गेल, आइ हम रिकॉर्डिंग कऽ रहल छी तऽ 20 तारीख छै आ काल्हि 21 तारीख रहतै, तऽ ई नवमी तिथि जे छै से आइ 11 के 12:25 में शुरू भेलै आ काल्हि शुक्र के 11:10 पर समाप्त होत। तो किछ लोग कहै छथिन जे नै मध्याह्न में जानकी जी प्रकट भेल रहथिन, किया तो सवेर में तो जनक यज्ञ कयने रहथिन हर तो मध्याह्न में जोतने रहथिन, तो मध्याह्न में आइ छलै त आइए जानकी नवमी छै तो शायद जनकपुर में आइए, अई धारणा के अनुसार मनाओल गेल। कतेक जगह की छै जे सूर्योदय जै तिथि में होइ छै ओही तिथि के महत्व देल जाय छै, त कतेक ठाम जानकी नवमी काल होबो के सेहो संभावना है। ओना अपना सबके मिथिलाओ में आइ काल्हि आब कनी बेसी हिसाब किताब होबे लगलै है, कंप्यूटर से देखे लगलै है लोग कैलकुलेटर से ज्योतिष सब सेहो बहुत भ गेला है। पहिने पहिने मोटा मोटी नियम हम सब इंजीनियरिंग में थम रूल कहै छै, थम रूल की छलै जे जकर उदय तकरे अस्त, तो यदि उदय के अस्त मानबै तो जानकी नवमी काल रहते, तो अइ किस्म के हिसाब से यदि मानल जाए तो जानकी नवमी काल रहत। जानकी जी के आराधना यदि करब तो जानकी जी बहुत चीज सिखबै छथिन आ ओही में से एकटा छै जे कतबो कष्ट के समय होय तो धैर्य के नै छोड़ी संयम के नै छोड़ी, समय तो बदले छै नै, भले ही हुनका किशोरी जी के कहियो सुख नै भेटल होय लेकिन प्रतापी लवकुश सन संतान रावण के दर्प हरण से सब हुनके संयम से धैर्य से तपस्या से भेल रहे, तो अपन अपन समय के किशोरी जी अलग अलग होइ छै, अपन समय के ओ किशोरी जी रहथिन, आइ के किशोरी जी के रूप सब किछ और होय जरूर होय लेकिन धैर्य आ संयम खास कऽ कठिन समय में जखन परिस्थिति अपन विपरीत होय
तेहन में धैर्य आ संयम के लेल जो सिखबे छथिन से महत्वपूर्ण छै। आ देखियो केहन संयोग होइ छै, बैसाखे महीना में संयम के प्रतिमूर्ति, शांति के प्रतिमूर्ति जन्म त सिद्धार्थ के रूप में भेल रहन, मुदा जहन हुनका ज्ञान प्राप्त भेलन, बुद्धत्व प्राप्त भेलन, तो बुद्धत्व के प्राप्ति सेहो बैसाखे में आ निर्वाण प्राप्ति प्रकटोत्सव, बुद्धत्व प्राप्ति आ निर्वाण तीनू जे छै बुद्ध भगवान के से बैसाख पूर्णिमा में, आई बेर के बैसाख पूर्णिमा 26 मई के बुद्ध दिन रहत, बुद्ध जयंती के रूप में मनाओल जाय छै दुनिया भर, निर्वाण दिवस सेहो छै। आ हिंदू धर्मालंबी सब तो विष्णु भगवान के नवमा अवतार बना देने छथिन। हिंदू धर्म में बड़ा कहे छन जे इस्लाम में मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, अंग्रेजी में उर्दू अरे अरबी के ओकर अखन हमरा मंत्र नहीं याद है, उनकर नाम लेल जाय छै, तो उ जे छथिन से अल्लाह के परमेश्वर के दूत छथिन। क्रिश्चियनिटी में से हो ईसा मसीह, यीशु मसीह जो छथिन से परमेश्वर के दूत छथिन। हिंदू धर्म में की छे दूत से नहीं चल वाला, अवतारे उनका अपने आव पड़े छन, उनको पठौने नहीं होब वाला, अपने चल अबे छथिन, संभवामी युगे युगे संभव भ जाय छथिन। तो बुद्धो के कहि देलखिन नहीं ये अवतारे छै, तो हिंदुओं सब के लेल किस पवित्र दिन खास कर कपिल वस्तु में लुम्बिनी में पूजा पाठ से हो, आई काल्हि तो आब किछु कम भ गेलै है, कैले तऽ बुद्ध धर्म मानव वाला सब के हाली मुहाली चल लगले लुम्बिनी में, नहीं तो ओहिठाम हिंदुओं सब के काफी भीड़ लगे छल। बुद्ध भगवान के बारे में कहल जाय छै जे हुनकर जन्म जंगल में भेल रहन, महारानी जायत रहथिन अपन नैहर देवदह, आइकाल्हि तौलिहवा के आसपास के जगह के कहल जाय छै, तो रास्ता में लुम्बिनी के वन में से हुनकर जन्म भेलै। तो किसिम किसिम के बुद्ध के बारे में त्रिपिटक देखू या जातक कथा देखू या हुनका बारे में जे विभिन्न किंवदंती सब छै वैशाली से लकरबाद अंगुली माल से लक, बहुत एतेक प्रसिद्ध कथा सब छै, पढ़बै तो जगह जगह भेट जात, यूट्यूब में बहुत किछु भेट जात। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जे छै से अपन समय में बुद्ध के विचार बड़ा क्रांतिकारी विचार, क्रांतिकारी विचार की रहे जे हिंदू धर्म में रूढ़िवाद आबि कऽ से बहुत कठिन एक किस्म एक की कहबे एकटा संत महात्मा के नाम पर रूढ़ी एतेक व्यापक भ गेल रहे जे जीवन कठिन होइत जात रहे। एहन समय में क्षत्रिय धर्म राज धर्म के रूप में जे एकटा धर्म के आवश्यकता महसूस भेलन, जे कि इह लोक में सत्य धर्म आ न्याय सुनिश्चित करे आ तकर बाद निर्वाण प्राप्ति होय, ई दुख जे छै जन्मनाई दुख छै, जीवित रहनाई दुख छै, एहिसे दुख के मुक्ति के रास्ता जे छै से निर्वाण छै। तो इह लोक में सत्य धर्म आ न्याय आ तकर बाद परलोक नहीं स्वर्ग के प्राप्ति नहीं कि निर्वाण प्राप्ति मुक्ति के जे अवधारणा अलै से जाति व्यवस्था के जकड़, नियतिवाद से मुक्ति, ब्राह्मणवाद से मुक्ति, तई किस्म के एकटा अवधारणा अलै। ओना
कालांतर में बुद्ध धर्म एकटा न्याय के सूत्र के रूप में जा रहे ओकरो धर्म के कुछ शाखा सब बन गए। सबसे पहला तो हीन यान कहकर, जैमे कि हीन यान में साधक के व्यक्तिगत निर्वाण भेटे तै के लेल किछ तरीका सब छै, ओकर थेरवाद सेहो नाम देल गेल छै। आइकाल्हि श्रीलंका में बर्मा में बुद्ध धर्म के जे रूढ़िवाद देखबै से थेरवाद हीन यान में ओ सब कहै छनै। पाली भाषा में जे छै बुद्ध जे कहने छथिन उहे सबसे महत्वपूर्ण छै। बुद्ध के जीवन से देवत्व सब किछ शुरू होइ छै। बुद्ध के महाप्रयाण के बाद दोसर एकटा शाखा निकलल महायान, जकरा कहल गेल छै। महायान कहै छै जे नहि व्यक्ति के साधके के निर्वाण नहि कि समस्त संसार के मुक्त कराबे के छै। ओकरा लेल जे महान व्यक्ति सब बोधिसत्व सब तिनका सब के एकटा परंपरा रहल छै, जकर प्रकट रूप से शाक्य मुनि से हो अइ किसिम के एकटा बृहद धर्म के अवधारणा जे नेपाल से तिब्बत होइत चीन मंगोलिया जापान कोरिया तक पहुँचल, दक्षिण पूर्वी एशिया में से किछु प्रभाव हीन यान के रहलै, आ उत्तर पूर्वी आ पूर्वी एशिया में से महायान के रहल। बुद्धे धर्म के एकटा शाखाए जका कहिल जियो से हमरा जे सबसे बेसी प्रभावित कने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बहुतो लोक भारतीय संविधान के मस्यौदाकार के रूप में चिन्हित हेबन। से ओ छै थे विद्वान छलाह, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अमेरिका इंग्लैंड दोनों ठाम पढ़ने, कानून के ज्ञान बहुत छलन। 12 दिसंबर सन 1935 में वहु समय में जाइत पाइत तोड़नाई जरूरी छै हिंदू धर्म के जोगावक के लेल से भावना रहे, तो तहिया त एकीकृत भारते इंडिया जकरा कहे अखन पाकिस्तान में पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब में पड़े छै लाहौर शहर, ओहिठाम के जात पात तोड़क मंडल से ई सोच कर जे ई छथि तो दलित मुदा विद्वान छथि तो खाली जाइते पाइत के बात करता वैसे आगा तो नहीं जाता, तो हुनका निमंत्रण देल गेलनि जे हमरा सबके एकटा सम्मेलन है से एकटा संबोधन देल जाओ। कहलखिन हेतै खुशी के साथ। फिर जात पात तोड़क मंडल वाला के बुझाए लगलै जे पता नहीं की बाजि देत, कहलखिन नहि एकटा लिखित पठाओ जहाँ की भाषण देबै। तो डॉक्टर अम्बेडकर लिख के पठेलखिन, पढ़ के बाप रे बाप एक बेरी जात पात तोड़क मंडल वाला के जाइत तो तुरते निकल गेले, एहन भाषण केना देबै। तो हुनका कहलकै जे नहि अहाँके नहि आबक जरूरी है से हमसब सम्मेलन अखन नहि करब, अहिना कोनो कारण देखा कर हुनकर निमंत्रण से फिरता भऽ गेलनि। लेकिन सन 1936 में अपन संभाषण के डॉक्टर अम्बेडकर अपने 1500 कॉपी छपलखिन आ ओकर नाम एनहाइलेशन ऑफ कास्ट जात पात के की कहबे मार के सर्वनाश कर के कह के तै किसिम के एकटा पुस्तिका छपलखिन अंग्रेजी भाषा में। ओ कहलखिन जे हम जन्म हिंदू भक लेने छी लेकिन हम मरब हिंदू भक नहीं, किया तो जाति पाति हटा दियो तो हिंदू धर्म में कुछ रहिए नहीं जेते। हुनकर अपन व्याख्या रहन अच्छा ही हो जखन अहाँ हिंदू धर्म आ ब्राह्मणवाद के बना देवे, हिंदू धर्म के मतलब कि गौ ब्राह्मण आ जे गाय खाई छे से केना हिंदू रहते,
ओना पहिने के सनातन धर्म में रहे गाय खा के बात, तो दलित में तो गाय खा वाला, जनजाति में तो गाय खा वाला, गाय के मांस खा वाला, गोमांस भक्षण कर वाला। आ गौ ब्राह्मण रक्षा कहे छे, आ ब्राह्मण कहला तो कहे छे जे कर्म से, लेकिन कर्म से नहीं ब्राह्मण हो पड़े छे। अहाँ कतेक जन्म में कर्म करियो तो ब्राह्मण कुल में जन्म होत, बाकी सब जाति से दोसर जाति क्षत्रिय भ सके छी, नियो क्षत्रिय आज कहे छे, नव क्षत्रिय। अपन बाहुबल पर यदि राज्य हासिल कर लेली तो ठाकुर भ गेली, आ जखने ठाकुर भेली राजपूत भेली तो क्षत्रिय भ गेली। तो क्षत्रिय तक भ सके छी, व्यापार के लिए यदि महाशूद्रो छी, शूद्रो छी, व्यापार के लिए किछ संपत्तिशाली भ गेली तो वैश्य में किछ दान दक्षिणा द कर नया गोत्र ल कर काशी जा कर ल लेब सके छी। पृथ्वीनारायण शाह काशी जा कर अपन गोत्र ल लेलखिन, जंग बहादुर किताब लिखवा के सीधे जोड़ लेलखिन अपन राजस्थान के राजपूत सब से वंशावली खस रहत, लड़ाका रहत, शक्ति हासिल भेलन, लेकिन ब्राह्मण में से संभव नहीं छे। तो जखने गौ ब्राह्मण वाला बात हेतै तो दलित कना हिंदू रह सकय। तू कहलखिन जे दोसर उनको विकल्प सबके हम सब्सक्रिप्शन में लिंक देव, जो तो उनका विकल्प तो रहन, वो सिख बन सकै छलखिन हँ, ईसाई बन सकै छलखिन हँ, मुसलमान बन सकै छलखिन हँ, जैन बन सकै छलखिन हँ, वो किया बुद्ध धर्म के कहलखिन नहीं हम बुद्ध धर्म मानब, तो वो अपन मान्यता में व्याख्या केने छथिन जे आधुनिक युग के लेल तर्क आधारित यदि कोनो धर्म छै, जकरा धर्म के जीवन शैली कहियो, तो बुद्ध धर्म हो सकय। आ उ कहलखिन जे दलित के मुक्ति के रास्ता बुद्ध धर्म छै, तो फिर कहलखिन जे नहीं महायान सेहो में रूढ़ी चल आयल है, आडम्बर चल आयल है, हीन यान त खैर छै हे रूढ़ी पर अड़ल। तो कहलखिन जे हमर जे बुद्ध धर्म होत से आधुनिक युग के आधुनिक पंथ हुए, तो ओकर नामकरण कलखिन नवयान। 6 अक्टूबर 1956 के नागपुर के एक होटल में उनका पूछल गेलन जे अहाँ जे कहे छे बुद्ध धर्म से कौन बुद्ध धर्म, महायान कि नवयान। तो कहलखिन नहीं हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत के माने छे, ओकर हम पालन करबे, लेकिन हम अपन समर्थक के कहबे जे अहाँ सब हीन यान आ महायान से दूर रहू, हमरा सबके धर्म एक नया बौद्ध धम्म है, धर्म नहीं है धम्म है, पाली भाषा से लेल गेल, आ अकर नाम रहते नवयान। तो भारत में जे बौद्ध मार्गी जकरा कहियो काल किछ लोक सब की कहबे नीचा देखाब के नियो बुद्धिस्ट कहे छथिन, नव बौद्ध, नव बौद्ध किया यो कोनो धर्म, नव पुराण जब कही गेल छथिन त नवयान त छै, त बुद्ध धम्म के नवयान छै। त भारत में लगभग 1 करोड़ तथ्यांक 80 लाख से ऊपर से जतेक छै भारतीय बुद्ध धर्म में बेसी दलित स बुद्ध धर्म अंगीकार कने, अखनो ये जाति प्रथा में यदि लागत हुए जे बड उकुस मुकुस आई, तो एकटा उपाय छै जे आधुनिक युग के आधुनिक धर्म यदि चाहे छी जे धर्म से नहीं हट चाही तो से उपलब्ध छै। आ ओना तो अपना सबके वही पार गाय गोबर, अ पार जय सियाराम, आइयो जनकपुर के टेलीविजन में देखबै छलै है, मास्क तास कहीं किछ नहि, मंदिर में भीड़ कयने छी, जानकी नवमी, यौ किशोरी जी के सेहो कहथिन जे बच के रहू, अपन भक्त के थोड़े कहथिन जे ई महाव्याधि के ग्रास में जाओ। से तो धर्म के माननाय जरूरी छै, कठिन परिस्थिति में लोक के धर्म में किछ आश्रय भेटे छै, राज्य के से धर्म निरपेक्ष भेनाय जरूरी छै, नहीं तो नागरिक नागरिक के बीच में विभेद होबय लगते।
लेकिन समाज में अपन अपन धर्म जकर है जैसे मानू आ सब सर्व धर्म समभाव जे गांधी जी कहि गेल छथिन कोनो धर्म खराब नहीं छे। अहाँ कतबो गाड़ि पढ़ि लियौ गाड़ि पढ़ वाला सब अपन अपन धर्म के उग्रवादी छे हरेक धर्म में उग्रवाद होइ छे। लोक संग्रह गीता में कहि गेल छथिन तो लोक संग्रह की छे जे सृष्टि के कल्याण होइ तेकरे रास्ता खोज के छे तो वही के विरोधी विचार के छोड़ू आ वही सब मिलत जुलत विचार के अपनाऊ अपन अपन धर्म के मानव में कोनो दिक्कत नहीं है। यदि धर्म निरपेक्ष कह के अर्थ है जे राज्य के जे संस्था छे ओकरा धर्म के आधार पर विभेद नहीं कर दी आ बाकी त अपन अपन धर्म के पंथ के स्वीकार करला। कठिन समय कहबे कलौ सबक नाम लेनाइ संभव नहीं है। लहान के एकटा डॉक्टर चौधरी छला कम उमेर में गेला कई कै गोटे अ पार ओ पार के संबंधी सब इंजीनियर मित्र अर्बन प्लानर मित्र राजनीति कर्मी उद्यमी सामान्य जन जे गेला तिनका सबके सादर श्रद्धांजलि शोक में जे परिवार सब छत मित्रगण छत तिनका सबके समवेदना बाकी जे जते छी अखन जान बचाओ बच के रहू। जय जय हो किशोरी जी एहनो समय में चौकी बाजी सुनलो धन्यवाद प्रणाम आ नाक मुँह झाँपि कऽ हाथ साफ कायिक दूरी बनाओ भीड़ भाड़ में नहीं जाओ घर के खिड़की दरवाजा खोल कर राखू मिल कर रहू शांत रहू धैर्य कर रहू निक समय जरूर एतै। धन्यवाद प्रणाम।